कभी कभी मैं अपनी अंतरात्मा का इस्तेमाल करके आपसे जुड़ता हूं पर मैं आपका जवाब नहीं सुन पाता और मैं अकेलापन महसूस करता हूँ मैं रोज अपनी साधना कर रहा हूँ क्या आप प्लीज बता सकते हैं कि मैं ज्यादा ग्रहणशील कैसे बनूं और आपके साथ अपना संपर्क कैसे बढ़ाऊं अपनी अंतरात्मा का इस्तेमाल बंद कर दीजिए उसका इस्तेमाल मत कीजिए संपर्क करने की कोशिश मत कीजिए क्योंकि ऐसे काम करके आपका दिमाग भ्रम में पड़ जाएगा फिर सदगुरु आपसे बात करना शुरू कर देंगे और फिर कई चीजें होंगी और इस चक्कर में मत पड़िए तो मुझे क्या करना चाहिए अगर मुझे ग्रहणशील बनना है तो मुझे क्या करना चाहिए यह क्या चीज है जो किसी की ग्रहणशीलता कम करती है बस इतना है कि अगर आप किसी चीज पर बहुत सारी चीजों की परत चढ़ा लेते हैं तो वो कुछ महसूस नहीं कर सकती है ना अभी आप एक बहुत बड़ा ढेर हैं, बहुत ही बड़ा ढेर बहुत सी चीजें इकट्ठा कर ली गई हैं जिन्हें आप मैं कहते हैं शुरुआत आपके भौतिक शरीर से हुई हालांकि शरीर को और भी ज्यादा बड़ा किया जा सकता है लेकिन भौतिक शरीर की कुछ सीमाएं होती हैं आप उससे ज्यादा बड़ा कम से कम आप एक सीमा से ज्यादा इकट्ठा नहीं कर सकते अगर आप ज्यादा इकट्ठा कर लेते हैं तो इसे लौटाने का समय जल्दी आ जाएगा हा? कम से कम शरीर की एक सीमा तो है पर मन की बनावट ऐसी है कि आप बहुत ही बड़ा ढेर इकट्ठा कर सकते हैं और अपने सिर पर इतना बड़ा बोझ उठाए हुए आपको कुछ महसूस नहीं होने वाला खासकर तब जब आप ये मानने लगे कि जो बोझ आपने उठा रखा है वही आप हैं आप जितने कम होते जाएंगे आप उतने ही ज्यादा ग्रहणशील होते जाएंगे आप जितने ज्यादा होते जाएंगे आप उतने ही कम ग्रहणशील होते जाएंगे दूसरे शब्दों में कहना हो तो सीधी बात यह है कि आप अपने आप से कुछ ज्यादा ही भरे हुए हैं अगर आप उसे कम करें तो आप कैसे महसूस नहीं करेंगे आपको महसूस करना ही होगा मुझे क्या महसूस करना चाहिए क्या मुझे आपकी आवाज सुननी चाहिए नहीं अगर आप मेरी आवाज सुनना चाहते हैं तो सीडी या किसी चीज में सुन लीजिए अगर आप आवाजें सुन रहे हैं तो आपको इलाज की जरूरत है इसका आवाजें सुनने से कोई लेना देना नहीं है दीक्षा के रूप में आपके अंदर जो डाला गया है वो एक जीवित प्रक्रिया है अगर आप अपने आप से बहुत ज्यादा भरे ना हो तो जब आप यहां बैठते हैं यह लगातार आपके अंदर गूंजती रहेगी हमेशा तो जब आपके अंदर एक जीवंत ऊर्जा हो तो आपको बस इसके लिए जगह बनानी होती है अगर आप जगह बना लेते हैं तो आप इसे नहीं चुकेंगे अगर आपको सूरज की रोशनी अंदर चाहिए तो किसी बड़ी लड़ाई की जरूरत नहीं है बस खिड़की खोलनी होगी है ना तो बस खुद पर गौर कीजिए और देखिए हो सकता है कि आप एक बहुत स्मार्ट इंसान हैं या एक बहुत ताकतवर इंसान है या बहुत खूबसूरत इंसान है या कुछ और उसे प्लीज कम कीजिए आप देखेंगे कि आप महसूस करना शुरू कर देंगे या आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं प्लीज उसे कम कीजिए अच्छे लोग कुछ महसूस नहीं कर पाते वो बकरियों की तरह बन जाते हैं क्योंकि वो सोचते रहते हैं कि मैं अच्छा हूं मैं अच्छा हूं कैसे वो ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है इन सभी लोगों की तुलना में मैं एक बहुत ही अच्छा इंसान हूं आप अपने आप से बहुत ज्यादा भरे हुए हैं वो अच्छे हैं अपने आप से कुछ ज्यादा ही भरे हुए हैं। उसे कम कीजिए बस ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझिए आप धूल के एक कण की तरह हैं। कल सुबह अगर आप उड़ गए मेरा मतलब बम से नहीं है माफ कीजिए <laughs> मान लीजिए, मान लीजिए कल सुबह आप गायब हो गए इस दुनिया में सब कुछ ठीक ही रहेगा क्या आपको पता है Uh, क्या मैं हीरो की बात कर सकता हूं हीरा क्या आप जानते हैं कि अल्ट्रा वायलेट लाइट हीरे को गैस में बदल सकती है क्या आपको पता है हीरे हमेशा के लिए होते हैं आपने सुना होगा हीरे हमेशा के लिए नहीं होते बस उन पर रोशनी पड़ी और वो भाप की तरह गायब हो सकते हैं छू कर देखिए क्या वो अभी भी हैं या गायब हो गए बस एक खास इंटेंसिटी से अल्ट्रावायलेट रेस पड़ने पर हीरा हवा बन जाता है तो यह भी ऐसा ही है यह कोई बड़ी बात नहीं है आप बस हवा में गायब हो सकते हैं सही स्तर की जागरूकता से ऐसा करने के लिए कोई बड़ी जंग नहीं लड़नी पड़ती कोई बड़ी जंग नहीं लड़नी है बड़ी जंग हो रही है क्योंकि आप एक लोहे का डंडा लेकर लड़ रहे हैं अगर हथौड़ा लेकर आप हीरे को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत मेहनत लगेगी बस अल्ट्रा वायलट उसे उड़ा सकती हैं। वो बस हवा में गायब हो जाएगा हीरा तो ये बहुत आसान है बस आप अपने अंदर जागरूकता ले आइए आप एक काम कीजिए जब आप सुबह उठते हैं तो आप सबसे पहले क्या करते हैं फोन फोन देखते हैं क्या करते हैं आप क्या करते हैं आप, आप सुबह उठते ही सबसे पहला काम क्या करते हैं फोन नहीं, नहीं। आप एक काम कीजिए आप सुबह उठिए और मुस्कुराइए किसे देखकर किसी को नहीं मुस्कुराना किसी और के बारे में नहीं है मुस्कान तब आती है जब इसे कुछ खास महसूस होता है है ना आया नहीं हां अगर आपको पीआर की ट्रेनिंग मिली है तो आप ये सीख लेते हैं वरना मुस्कान तब आती है जब आपके अंदर कुछ हो रहा हो इसलिए नहीं कि कोई आपके सामने आ गया है ना तो सुबह उठते ही सबसे पहले मुस्कुराए इसमें बस 20 सेकंड लगेंगे ठीक है अगर आप अपने पास बैठे इंसान को देखकर मुस्कुरा नहीं सकते तो बस मुस्कुराइए दिन शुरू करने का अच्छा तरीका है है ना और अगर दिन में एक डोज आपके लिए काफी न हो अगर बीमारी गहरी है तो हर घंटे ओह ग्यारह बज गए ग्यारह बज गए पता है इक्कीस जुलाई 2011 11 बज गए ऐसा कितनी बार हुआ है कितनी बार हुआ है कभी नहीं हुआ और कितनी बार होगा कभी नहीं यह अद्भुत पल है है ना 11 बज गए 11 बज गए क्या यह एक छोटी बात है आप ब्रह्मांड की इतनी महत्वपूर्ण चीजों को बहुत हल्के में ले रहे हैं समझे आप ग्यारह बज गए ये छोटी बात है क्या क्या छोटी बात है जबरदस्त सिर्फ Only once एक बार अनंत काल में सिर्फ एक बार है ना कमाल की बात ओह ग्यारह बज गए क्रैश कोर्स <laughs> बस ऐसा हर एक घंटे में कीजिए आप दो हफ्ते में ही देखेंगे कि आप कैसे हो जाते हैं बीस सेकंड्स का क्रैश कोर्स आप खुद को दे सकते हैं हाँ या ना बस इतना कीजिए आप ग्रहण करने लगेंगे